300 साल पहले दी गई थी फांसी, भूत से महिला ने की अब शादी। आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना या देखा हो। हो सकता हो आपको हमारी इस लव स्टोरी पर विश्वास ही ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न आयरलैंड के डाउनपैट्रिक शहर में रहने वाली 45 वर्षीय अमांडा टीक की। अमांडा ने किसी मनुष्य से नहीं बल्कि भूत से शादी की। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर शादी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अमांडा ने कहा कि करीब 300 साल पहले उनके पति जैक की मौत हो गई थी। वो एक हाइटियन समुद्री लुटेरा था। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, लेकिन जैक बताते हैं कि वो डार्क हैं और काले लंबे बाल हैं। अपराधी होने के कारण उन्हें 1700 ईस्वी के दौरान मौत की सजा सुनाई गई थी। अमांडा के पूर्व पति से 5 बच्चे भी हैं, लेकिन उनको वो एहसास नहीं होता जो उनको जैक से मिलता है। वो बताती हैं, मैं जैक के साथ डेट पर जाती हूँ, हमारे बीच में कहासुनी भी होती रहती है, हम साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अमांडा ने कहा, जैक ने कभी अपने जीवन काल में शादी नहीं की, वो एक शक्तिशाली आत्मा है। जैक के प्रपोज करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने फिर धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। शादी के दिन उनका परिवार और 12 दोस्त शामिल हुए थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दी अननोन।